नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर दो मजदूरों ने राजधानी एक्सप्रेस की टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मजदूरों का कहना है कि कंफर्म सीट के टिकट होने के बावजूद भी टीटी ने यात्री को ट्रेन से उतार दिया। साथ ही कहा, तुम्हारी औकात नहीं है बैठने की। मजदूरों ने इस बात की शिकायत कोडरमा स्टेशन के स्टेशन मास्टर से की, जिसके बाद डीआरएम ने कहा कि जांच के बाद टीटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार रामचंद्र और अजय यादव नाम के दो मजदूर नई दिल्ली से भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन में विजयवाड़ा जा रहे थे, तभी सुबह 5:22 पर कोडरमा स्टेशन पर टीटी इन दोनों को ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया। टीटी ने कहा, तुम लोग छोटा आदमी हो, इस ट्रेन से निकलो, क्योंकि इस ट्रेन में अधिकारी रैंक और बड़े लोग सफर करते हैं, चलो उतरो ट्रेन से। अपनी शिकायत दर्ज कराई स्टेशन प्रबंधक बीके सिंह ने बताया कि यात्री की शिकायत वरीय अफसरों के पास भेज दी गई है। दोनों विजयवाड़ा के नए नूर जा रहे थे, जहां वे पोकलेन ऑपरेटर का काम करते हैं। मजदूरों ने बताया कि ठंड में सफर आसान हो, इसलिए उन्होंने राजधानी ट्रेन में सीट बुक कराई। इससे पहले 2 टिकट बुक कराया था, लेकिन सीट कंफर्म नहीं हुई। तीसरे प्रयास में 16 दिसंबर को राजधानी ट्रेन की 206 बोगी में 10 और 15 नंबर की बर्थ कंफर्म हुई। इस मामले पर धनबाद रेड मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने कहा कि यात्री से ऐसा करना पूरी तरह गलत है, अगर यह हुआ तो गंभीर मामला है, जांच के बाद टीटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।